मई महीने की भक्ति का 21वां दिन, मरिया यीशु का शव अपनी गोद में रखती है। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा, दिल के सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा। तब शरण में आऊं, तेरे ही गुंगाऊं, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से आता है तेरा नाम। क्रूस पर मृत्यु के बाद यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर ही रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास जाकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से रक्त और जल बह निकला। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। प्रभु यीशु की मृत्यु के पश्चात भी ऐसा अपमानजनक कार्य देख माता मरिया के दुख की सीमा न रही। संत बर्नार्ड के कथनानुसार मरिया को उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अपने हृदय में भाला मारा गया। माता मरिया ने भी स्वयं एक दर्शन के समय संत ब्रिजिट से कहा, यदि उस समय दूत मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते तो मैं धरती पर गिर पड़ती। लगभग सांझ की बेला में अरिमथिया के योसेफ ने यीशु के शव को उचित रूप से दफनाने का प्रबंध किया। उसका शरीर क्रूस पर से उतारा गया और माता मरिया की गोद में रखा गया। माता अपने लाल को आंसू भरे नयनों से निहारती रही। अपने प्रिय पुत्र की ऐसी दयनीय दशा देख प्रिय माता का हृदय दुख से भर जाता है। इस बात से मरिया को सांत्वना तो मिल जाती है कि मानव मुक्ति योजना में परमेश्वर ने उसका सहयोग प्राप्त किया। इसी सांत्वना की शक्ति से वह प्रेम पूर्वक यीशु के शव को कफन में लपेटती है ताकि अंतिम क्रिया संपन्न की जा सके। दृष्टांत रिची की संत कैथरीना का जन्म सन 1522 ईस्वी में हुआ था। वह सदैव यीशु के पावन दुख भोग पर मनन चिंतन करती थी। इस पावन भक्ति के कारण वह कलीसिया में प्रसिद्ध हो गई। उसने 13 वर्ष की आयु में ही कौमार्य व्रत धारण किया और ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। वह प्रभु यीशु के दुख भोग पर खूब मनन करती थी। फलस्वरूप उसे 21 वर्ष की आयु से ही प्रभुवर यीशु के दिव्य दर्शन प्राप्त होने लगे। प्रभुवर के दर्शन के समय प्रति गुरुवार के दोपहर के समय वह बेहोश हो जाती तथा शुक्रवार दिन के 4 बजे तक वह इसी अवस्था में पड़ी रहती। इसी अवस्था में उसे प्रभुवर के दुख भोग की प्रत्येक घटना चलचित्र की भांति दिखाई देती थी, जिनका वर्णन वह समीप उपस्थित व्यक्तियों से करती थी। कभी कभी तो वह इन दर्शनों को देख मृत्यु का अनुभव करने लगी थी। प्रभुवर के दुख भोग का अनुभव तथा दिव्य दर्शनों का प्रतिफल यह हुआ
कि उपहार स्वरूप संत कैथरीना के शरीर पर यीशु के 5 घावों में हुआ। उसने प्रभु यीशु के लिए बहुत दुख सहन किया। उसका देहांत सन 1589 में हुआ। वह धन्य मरिया के शुद्धिकरण के पर्व पर मसीह की शांति एवं प्रेम में स्वर्ग सिधार गई। प्रार्थना। हे क्रूसित यीशु, तेरे चरणों पर दंडवत करते हुए हम तुझे तेरी माता के रक्त के आंसू अर्पित करते हैं, जिसने कलवारी की दुखद राह पर बड़ी आत्मीयता एवं सहानुभूति पूर्वक तेरा साथ दिया। हे भले गुरु, तेरी अति पवित्र माता के रक्त रंजित आंसू जो शिक्षा हमें देते हैं, उन्हें हम हृदय की गहराई से ग्रहण करते हैं, ताकि पृथ्वी पर तेरी पावन इच्छा पूरी कर सके तथा स्वर्ग में अनंत काल तक तेरी महिमा एवं गुणगान करने के योग्य बन सके। आमीन। आइए आज हम सब अपने परिवारों में दुख के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए कोरोना महामारी से पीड़ित सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। तेरे आंचल की छाया तले प्रभु यीशु में हम सपने, दुख काटों में अनुराग मिले, हर आंसू सुमन में खिले, रोते जग को तू दे दे जरा तेरे दामन का शुभ आसरा, तेरे चरणों में हम लाते जीवन के गम, तेरी ममता को पाने सदा, मेरे मन की सुरंगों से आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम।